हाँ देखिए, इन दान दाताओं ने जो दान दिया है वो अपने लिए दिया है, ये किसी और को नहीं मिलेगा। जो भी यहाँ खाती बाबा महाराज के प्रांगण में उन लोगों ने दान दिया है अन्न का और रुपयों का, तो वो उन्हीं के लिए प्राप्त होगा, किसी और को। यदि उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके लाए होंगे तो पत्नी को भी आधा हिस्सा, अन्यथा नहीं। इसलिए हमारा कहना है, कल का दिवस और है, तो इसलिए बता रहे हैं, यदि आप दान करेंगे तो अपनी पत्नी से परामर्श करके आएंगे। जिनको भी दान करना है क्योंकि वो वंचित क्यों रह जाए, आपका दान से वंचित क्यों रहे, उन्हें कुछ मिला नहीं, अर्धांगिनी कहने को है अर्धांगिनी। इसलिए सबको अपनी पत्नी के साथ हो सलाह करके ही जो भी दान करना है वो दान आकर के यहाँ भागवत महापुराण के प्रांगण में खाती बाबा के स्थान पर आकर के कर सकते हैं। कल का दिवस परसों हवन भंडारा, ये महाराज हो गया, इनके नामकरण हो गए। यहाँ देखिए क्या हुआ, कंस ने मथुरापुरी के राजा कंस ने अपने पिता को बंद कर दिया था, राज शासन कर रहा था, उसने सभा को जोड़ा, ऋषि मुनि महात्माओं को बुलाया, उससे परामर्श दिया, हे राजा कैसे याद किया, उन्होंने कहा क्या, हे ब्राह्मणों का समूह, संत का समूह, गुरु आचार्य भी मौजूद है, सबके समक्ष ये पूछना चाहते हैं कि आखिर मेरी मृत्यु कैसी बच सकती है। महाराज ऐसी बातें करते हैं आप तो अजय अमर है। जब देवीग्रह सुनाई दी थी कि देवकी की आत्मा गर्भ से जो अवतार होगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा, हेलो श्री राधे, श्री राधे। हाँ तो देखिए, तो उन्होंने उत्तर दिया, राजन यदि आप हमारी सम्मति चाहते हैं जो हम बताए उस प्रकार से आप अपने प्राणों को बचा सकते हैं और अजय अमर हो, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, बताइए। उन्होंने कहा कि राजन धनुष यज्ञ का आयोजन करो और धनुष का नित्य प्रति पूजन होता रहे और धनुषों का कभी खंडन ना हो, यज्ञ विध्वंस यदि हो गया तो हे राजन तुम्हारी मृत्यु निश्चित। मैं राजन के कहा तैयारियां हो गई, यज्ञ आयोजन चलने लगा धनुष यज्ञ का, उन्होंने कहा महाराज और क्या किया जाए, और अपनी एक काम करो, तुम वहां फ्रिज से वृंदावन से नंद बाबा के यहां से बलराम और कृष्ण को यहां आ जाए तो उनका पद कर दो अपने हाथ में। हाँ महाराज, ये आपने उपाय अच्छा बताया, लेकिन किसने बुलाया, कैसे आएगी वो यहाँ। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे मित्र कौन है, ध्यान दो,
तुम्हारे मित्र है कौन? तुम्हारे मित्र है अक्रूर। और अक्रूर जी किसके मित्र हैं? बोले नंद बाबा के। और बोले किसके मित्र हैं? बोले बसदेव जी। ये जो है, हेलो लाइट से वो चल रहा है।